हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले हैं एम आई K20 Pro की, जिसमें लगा हुआ है FRP लॉक। तो इस लॉक को कैसे रिमूव करते हैं बिना कंप्यूटर के, तो देखते हैं हमारी पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले यानी कि फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों मैंने कर रखा है, और दोस्तों आपको फिर स्किप करना। देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि गूगल अकाउंट मांगेगा हमारा फ़ोन आगे नहीं बढ़ने का, यानी कि गूगल अकाउंट इसमें मांगेगा। तो दोस्तों इसे रिमूव करने के लिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें फ़ोन में एक सिम डाल लेना, कोई सा भी आप डाल लें, यानी कि चालू सिम। तो देख सकते हैं दोस्तों, डोंट कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों इसमें एक सिम डला हुआ है, और दोस्तों हमारा फ़ोन जो है वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, दिस डिवाइस बाज रिसेट, यानी कि जो आईडी इसमें पहले डली हुई थी, अगर वो आईडी डाल देंगे तो फ़ोन हमारा ऐसे खुल जाएगा, वरना हमारा फ़ोन ऐसे नहीं खुलेगा। तो दोस्तों इसे खोलने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ वाईफाई से नीचे आपको ऐड नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों ऐड नेटवर्क के नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है, देख सकते हैं दोस्तों, www.youtube.com दोस्तों आपको यहाँ लिखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ लिखना है एक सिम इसमें दोस्तों जरूर डला होना चाहिए, और फ़ोन हमारा वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ फिर शेयर का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, फिर यहाँ मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। मैसेज का ऑप्शन मिलने के बाद दोस्तों आपको ऊपर टाइप करना है 123। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने टाइप कर लिया, और दोस्तों आपको सेंड कर देना है। दोस्तों यहाँ अगर सिम नहीं होगा तो आपका सेंड नहीं होने का दोस्तों, इसलिए यहाँ सिम होना जरूरी है फॉर्म में डलेगा। फिर सेंड होने के बाद दोस्तों आपको एक लिंक बन जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों लिंक बन चुका है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। दोस्तों मैं इस पर जो है क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ब्राउज़र का ऑप्शन मिलेगा। ब्राउज़र का ऑप्शन मिलने के बाद दोस्तों आपका जो है यूट्यूब दोस्तों बिल्कुल एकदम यूट्यूब हमारा देख सकते हैं दोस्तों चालू हो चुका है। यूट्यूब चालू होने के बाद दोस्तों आपको इधर जाना है, फिर दोस्तों आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पे दोस्तों, फिर आपको सबसे नीचे टर्म एंड सर्विस है, फिर आपको दोस्तों यहाँ से क्रोम ब्राउज़र जो है दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी, दो एप्लीकेशन डाउनलोड। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए दोस्तों हम एक साइट डाल लेते हैं यहाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, BK स्मार्टफोन दोस्तों आपको यहाँ साइट डालनी है, BK स्मार्टफोन। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने BK स्मार्ट लिखा, और BK स्मार्टफोन दोस्तों आ चुकी है, उस पर क्लिक करना है। फिर BK स्मार्टफोन.com पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ जाना है गूगल अकाउंट बाईपास। फिर दोस्तों यहाँ से दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एक तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से एंड्रॉयड 8 यानी कि 5वें नंबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और एक दूसरे नंबर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है FRP बाईपास। देख सकते हैं दोस्तों, मैं डाउनलोड में देख लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एंड्रॉयड 8 एप्लीकेशन जो है इसे अपने फ़ोन में दोस्तों इंस्टॉल करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड्रॉयड 8 को, इसे जो अलाउ कर देता हूँ। इसके फिर दोस्तों FRP बाईपास जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को यहीं ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों आपको 3 डॉट पे जाना है, फिर ब्राउजर साइनिंग पे दोस्तों यहां जाके ओके कर लेना है। यहां ओके करने के बाद दोस्तों यहां आपको अपनी नई ईमेल आईडी डालनी है। अगर नहीं है दोस्तों, आप पहले बना लें आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड कंप्यूटर से बना लें या फ़ोन से बना लें, जो दोस्तों प्ले स्टोर पर आईडी बन जाती है दोस्तों, वो आईडी यहां डालनी है। और डालने के बाद दोस्तों अपना फ़ोन जो है रिवोट कर देना है। मैंने दोस्तों अपनी ईमेल आईडी डाल दी और पासवर्ड डाल के दोस्तों नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अपना फ़ोन यहाँ पे दोस्तों आपको रिस्टार्ट यानी कि बंद करके दोबारा ऑन कर लेना है, और हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके दोस्तों खुल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये K20 Pro है दोस्तों। अगर K20 में दोस्तों इसी तरीके का अगर FRP लॉक आता है, तो इसी तरीके से आप FRP बाईपास उसमें कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, और हमारा चैनल दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, हम इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। और दोस्तों देख, खुलने ही वाला है। गोट इट कर लेता हूँ मैं, इसे अलाव अलाव कर देता हूँ। इसे स्किप कर लेता हूँ मैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ स्किप कर लेना है दोस्तों आपको। फिर दोस्तों यहाँ दोस्तों सेटअप कंप्लीट कर देना दोस्तों, और हमारा फ़ोन बिल्कुल अब ओके दोस्तों खुल जाएगा।
तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो सेटअप अब कंप्लीट होने वाला है, और दोस्तों हमारा फ़ोन देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ओके खुल चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल हमारा फ़ोन जो है ओके खुल चुका है अबाउट फोन में, देख सकते हैं दोस्तों K20 Pro, और देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुका। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब।